हेलो, हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। कल मैंने एक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वीडियो डाला था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से और ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। आज हम एक दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारी बॉडी में मिलता है और जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड रहता है इंक्लूड रहता है, तो इसमें इसको हम RH फैक्टर या फिर RH एंटीजन के नाम से जानते हैं। RH ब्लड ग्रुप भी लिखा मिल सकता है आपको किसी एक डिफरेंट बुक में। चलिए हम टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है RH फैक्टर, हो सकता है आपको लिखा मिल जाए RH ब्लड ग्रुप। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और जरूरी है आपको ध्यान देना इस टॉपिक, इस पॉइंट पर, RH एंटीजन। हमें पता करना है कि आखिर RH एंटीजन की एग्जिस्टेंस क्या है। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ चीजों को सिंपल वे में देख लेते हैं। आखिर ये RH क्या है। RH टर्म आया है रीसस से। रीसस क्या है? रीसस का स्टार्टिंग का RH। रीसस एक मंकी होता है, जो लोग गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, आजकल बंदर अपने वैसे ही बहुत है, तो जो नॉर्मल बंदर होते हैं जो छतों पे आपके घूमते रहते हैं, ठीक है, वो वाले जो नॉर्मल बंदर जो बहुत ज्यादा नंबर में मिलते हैं, तो वो उन्हीं को हम रीसस मंकी बोलते हैं। तो उसी रीसस मंकी में सबसे पहले RH फैक्टर या RH एंटीजन की प्रेजेंस के बारे में पता किया गया था, साइंटिस्ट ने पता किया। तो इसलिए रीसस का RH उठा लिया गया और RH एंटीजन बोला गया इसको। इट मींस द एंटीजन व्हिच इज प्रेजेंट इन रीसस मंकी दैट इज नोन एज RH एंटीजन। बट इसकी प्रेजेंस का पता बाद में ह्यूमन में भी लगा। दूसरी चीज क्या आती है, सबसे पहले इसके बारे में पता किसने किया? दो साइंटिस्ट थे 1940 में, एक तो कार्ल लैंडस्टीनर, इनका नाम आपने सुना है, कार्लैंड स्टीनर, और दूसरे थे वीनर। इन दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले RH फैक्टर के बारे में पता लगाया। चलिए हम इससे रिलेटेड चीजों को देखते हैं। एक सपोज आप किसी अपने पार्टनर से, अपने किसी साथ वाले से, किसी फ्रेंड से आप पूछिए, आप खुद से ही पूछिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सपोज आपने कहा मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है। किसी दूसरे से आपने अपनी क्लास में पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है किसी दूसरे बच्चे का, तो सपोज उसने कहा बी निगेटिव। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है इसको समझना कंपलसरी है। आपको बता दें, हमने आपको कल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ाया था, तो ये बी तो ये शो करता है कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। ब्लड ग्रुप क्या है इसका, बी है इस व्यक्ति का, एबीओ ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग। अगर इसमें ए पॉजिटिव होता उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया। बट ये जो पॉजिटिव है ये क्या शो करता है, ये पॉजिटिव ये शो करता है कि ये पर्सन कैसा है, RH पॉजिटिव है। क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज क्या आती है इस केस में, क्या है, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप तो बी है लेकिन ये निगेटिव ये शो करता है कि ये व्यक्ति कैसा, RH निगेटिव। तो आपको टॉपिक को कोलैप्स नहीं कराना है। एबीओ ब्लड ग्रुप अलग चीज है और RH ब्लड ग्रुप अलग चीज है। क्लियर। दूसरी चीज समझिए, कोई भी एंटीजन, आपको कल बताया गया था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन उसकी कहां प्रेजेंट होती है, RBCs की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन की प्रेजेंस मिलती है। ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, बी है तो बी, और एबी है तो एबी। समझ में आया ए और बी दोनों। अगला पॉइंट हमें यह समझना है कि ये पर्सन बी पॉजिटिव है क्योंकि हमें RH एंटीजन भी बोल रहे हैं, यानी कि RH का भी रिलेशन एंटीजन से ही है। अगर हम यहां बात करें इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। क्लियर है ना। लेकिन तो इसलिए इस पर बी एंटीजन होगी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। दूसरी चीज आती है RH पॉजिटिव है, मतलब इसकी ब्लड की से आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है। जब बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी पॉजिटिव, बिकॉज RH एंटीजन आल्सो प्रेजेंट, तो ये बी पॉजिटिव हो गया।
सेकेंड सिचुएशन क्या आती है कि पर्सन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बी एंटीजन है जिसकी वजह से इसका ब्लड ग्रुप बी है लेकिन इस पर कोई आरएच एंटीजन नहीं है. देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आरएच एंटीजन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज. तो इस सिचुएशन में क्या होता है जब नहीं है तो आरएच निगेटिव. समझ रहे ना आप इस बात को समझिए. पॉजिटिव मतलब सब आरएच इज प्रेजेंट बट निगेटिव मीन्स नथिंग इज प्रेजेंट. क्लियर है ना. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कोई और चीज है निगेटिव कोई और चीज है. निगेटिव मतलब वो है ही नहीं. तो ये चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. यहां से क्लियर हो गया होगा. अब देखिए हमने आपको जब ब्लड ग्रुप समझाया था तो ब्लड ग्रुप समझाने में हमने आपको इस चीज को बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि दो चीजों का रोल है एंटीजन और एंटीबॉडीज का. अभी एक व्यक्ति है तो सबसे पहली चीज हम चलो इसमें ले लेते हैं कि जैसे अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और एक दूसरे का आरएच नेगेटिव है तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाएगी. चलिए हम इसमें सबसे पहले नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन में इसकी इंपॉर्टेंस को उठा लेते हैं. आरएच की इंपॉर्टेंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में. चलिए हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था. अब आप एक चीज समझिए यहाँ पे. सबसे पहले जैसे ये कोई पर्सन है ये उसका हम ब्लड ग्रुप की एक ब्लड वेसल दिखा रहे हैं कोई भी. क्लियर है ये पर्सन कैसा है. ये इसकी आरबीसीज है. सपोज इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है. हम केवल आरएच पे कंसंट्रेट करेंगे. आरएच पॉजिटिव है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या है आरएच एंटीजन है. क्लियर है ना. आरएच एंटीजन है इससे. अब हमने क्या किया इस व्यक्ति को किसी भी आरएच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ग्रुप देते हैं. क्लियर है ना. तो इस पे आरएच पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है तो ये दोनों सेम सेम हो गए. ये हम पर्सन का ब्लड ग्रुप का दिखा रहे हैं आरबीसी और ये इसकी लिम्फोसाइट है जिसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है. ये एंटीबॉडीज बनाएगी इसके अगेंस्ट नहीं बनाएगी. क्यों बनाएगी भाई जब यहां भी आरएच पॉजिटिव है यहां भी आरएच पॉजिटिव जो बाहर से आया है दोनों सिमिलर है तो ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज क्यों बनाएगी. बनाएगी ही नहीं. अटैक करने कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. समझ रहे हो. दूसरा केस क्या आता है. दूसरा केस ये आता है अगर इस पर्सन को किसी आरएच नेगेटिव वाले का ब्लड दिया जाए. आरएच नेगेटिव पर्सन का आरएच पॉजिटिव है. हमने नेगेटिव वाले का ब्लड दिया मतलब नेगेटिव वाले का ब्लड दिया तो इसके ऊपर आरएच एंटीजन है ही नहीं. कोई एंटीजन नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आरबीसीज की. तो ये एक्शन एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनाएगी. लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनाती है एंटीजन के अगेंस्ट. अब जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडीज बनाएगी किसके अगेंस्ट. मतलब यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो व्यक्ति आरएच पॉजिटिव है इस व्यक्ति को हम किसी आरएच पॉजिटिव का भी ब्लड दे सकते हैं और किसी आरएच नेगेटिव का भी ब्लड दे सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर हम दूसरे केस को देखने की कोशिश करें सेकेंड सिचुएशन जैसे ये ब्लड वेसल है इसके अंदर ये आरबीसी है किसकी. ये व्यक्ति आरएच नेगेटिव है. आरएच नेगेटिव का मतलब इसमें कोई एंटीजन की प्रेजेंस है ही नहीं. जब इसमें कोई एंटीजन की प्रेजेंस नहीं है तो ये इसकी अपनी क्या है लिम्फोसाइट्स. इनको क्या बनाना है एंटीबॉडीज बनानी है. लिम्फोसाइट्स क्या होती है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. एक टाइप की आरएच एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज जो डिफेंस मैकेनिज्म एक मेजर रोल प्ले करती है एंटीबॉडीज बनाने के थ्रू. दूसरा क्या होगा यहां पर. अब हमने इस व्यक्ति को किसी आरएच नेगेटिव का ब्लड दिया मतलब इसकी आरबीसीज पर भी एंटीबॉडी एंटीजन्स नहीं है. जब यहां भी एंटीजन्स नहीं है यहां भी एंटीजन्स नहीं मतलब मामला सिमिलर है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मतलब अगर हम किसी आरएच नेगेटिव पर्सन को किसी आरएच नेगेटिव का ब्लड दे देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम. इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट केस चेंज यहां पर कोई आरएच पॉजिटिव है और इसका इसको किसका ब्लड ग्रुप ये ब्लड ग्रुप किसको ट्रांसफ्यूज किया गया किसको दिया गया. ये व्यक्ति आरएच नेगेटिव वाला है इसको दिया गया है. इस पे एंटीजन है नहीं
इसके लिम्फोसाइट को पता है हमारे पास एंटीजन है, और अगर इस लिम्फोसाइट को एंटीजन वाली आरबीसी मिल गई तो क्या करेगा ये? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज बनाएगा तो क्या करेगा इसका, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, एग्लूशनेशन कर देगा। समझ रहे हो ना, ब्लड की ब्लड एकदम ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा, पर्सन की फाइनली डेथ हो जाएगी। अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये चीज हमको ये समझ में आई यहां पर कि आरएच नेगेटिव को हम आरएच पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक चीज हमें समझ में और आती है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव का ब्लड भी ले सकता है और आरएच नेगेटिव का ब्लड भी ले सकता है, लेकिन जो आरएच नेगेटिव है वो नेगेटिव का ही ले सकता है, वो पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं ले सकता, ठीक है ना। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दो चीजें रोल प्ले करती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दो चीजें रोल प्ले करती हैं। एक तो ट्रांसफ्यूजन में हम डिटरमाइन करते हैं किसके बेस पर, ए बी और ओ के बेस पर, और एक ट्रांसफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को हम डिसाइड करते हैं किसके बेस पर, आरएच एंटीजन के बेस पर। कल हमने आपको बताया था कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ, ए वाले में ए एंटीजन, बी वाले में बी एंटीजन, ए बी वाले में ए बी दोनों, और ओ वाले में एब्सेंट। दूसरी चीज एंटीबॉडीज से रिलेटेड हमने बताई थी, ये तो हो गया एंटीजन। अगर एंटीबॉडीज की हम बात करें तो इसमें क्या आता है, चलिए एंटी बॉडीज में ए वाला बी एंटीबॉडीज बना सकता है, होती नहीं है, बना सकता है रिक्वायरमेंट पड़ने पर, कौन बनाएगा, लिम्फोसाइट। बी वाला ए बना सकता है, ए बी वाला कोई नहीं बनाता है, बता चुके हैं रिवाइज करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। और ओ वाला ए भी बनाता है और ए के अगेंस्ट भी बनाता है, बी एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनाता है, ये कॉन्सेप्ट। फिर हमने ट्रांसफ्यूजन को किया कि ए वाला है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, ए वाला ए से ब्लड ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी वाला ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ वाला केवल ओ से ले सकता है। दो कॉन्सेप्ट और बताए थे, यूनिवर्सल डोनर एक था यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर हम डोनर की बात करें, क्लियर है ना, तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो रहा था, ओ, क्योंकि ठीक है ओ केवल ओ से ही ले सकता है, लेकिन ओ दे सबको सकता है, बताया था ओ किसको दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को, सबको दे सकता है। तो ये डोनर है और ए बी ब्लड ले सबसे सकता है, तो ये एक्सेप्टर है। बट अब यहां एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये देखना है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है। देखिए एक चीज, ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, क्यों बोलते हैं आखिर इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये ए से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसमें एंटीजन पहले से ही है, तो ये क्या इफेक्ट होगा ए से जब ए ब्लड बाहर से आएगा, बी से भी ब्लड ले सकता है, क्यों भैया इसके पास बी एंटीजन पहले से ही है, इसको तो पता है, ये तो अपना ही है, आ जाने दो। ये ए बी से भी ले सकता है क्योंकि इसका पता है ना, सेम सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चोर चोर मुसेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी यहाँ पर इनको। लास्ट आता है ओ, ओ से भी ले सकता है क्योंकि इस पर एंटीजन है ही, जब एंटीजन है ही नहीं तो इसको क्या दिक्कत है, आ जाओ तुम इतना। लेकिन एक्सेप्टर के लिए क्या जरूरी है, ध्यान से समझिएगा, अगर यही ए बी निगेटिव होता तो ये ए का तो ले सकता ब्लड ग्रुप, लेकिन ए निगेटिव से ही ले पाएगा, पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर निगेटिव मतलब आरएच एंटीजन एब्सेंट, और इसके पास अगर आरएच ए निगेटिव का जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव निगेटिव एक जैसा है, लेकिन अगर इसके पास ए पॉजिटिव का आएगा तो ए तो ए वाला तो मैटर ठीक है, ए बी को, ए बी को ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग, बट जो पॉजिटिव है ये कर देगा प्रॉब्लम, आरएच पॉजिटिव है अंतर जाएगा, यहां आरएच एंटीजन है नहीं, स्टिमुलेशन हो जाएगा और क्या होगा, एंटीबॉडीज तैयार होंगी, सेल्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब कोई भी आरएच नेगेटिव किसी आरएच पॉजिटिव का ब्लड नहीं ले सकता, मतलब ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव किसी का ब्लड नहीं ले सकता,
तो आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव नहीं है। तो ए बी पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, समझ में आया। दूसरा लेते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है। अभी आपको बताया कि ओ ब्लड सबको दे सकता है, ऊपर एंटीजन है, जब एंटीजन नहीं है तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। समझना ये है यहां पर, अगर ये ओ पॉजिटिव होता तो क्या ये ए नेगेटिव को दे पाता, या अगर ओ पॉजिटिव होता तो क्या बी नेगेटिव को दे पाता, नहीं दे पाता। ओ पर एंटीजन नहीं है, कौन सी नहीं है, ए बी एंटीजन कोई नहीं है, तो ये बी को दे सकता है क्योंकि बी के पास बी एंटीजन है, लेकिन इसके पास कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो चाहे किसी को दे दो कोई दिक्कत ही नहीं होनी है, लेकिन इसके पास आर एच एंटीजन है। जब इसके पास आर एच एंटीजन है, आर एच एंटीजन यहां जाएगा, मैटर को स्टिमुलेट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझ में आ गया। लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होकर एंटीबॉडीज बनाएंगी, ठीक है, ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज यहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया कि ओ नेगेटिव ही सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव है तो चाहे ए पॉजिटिव को दे दो, चाहे ए नेगेटिव को दे दो, चाहे बी पॉजिटिव चाहे बी नेगेटिव, चाहे ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को, और चाहे ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को, क्योंकि उसमें एंटीजन है ही नहीं तो स्टिमुलेट किसको करेगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, ओ पे ओ नेगेटिव का मतलब कि ना तो ए बी एंटीजन है और ना ओ एंटीजन है, ना आर एच एंटीजन है। आप समझिए, एंटीजन के प्रेजेंस है ही नहीं। जब एंटीजन नहीं है तो किसके अगेंस्ट स्टिमुलेट होगा ये, किसको स्टिमुलेट करेगा अपने अगेंस्ट, एंटीजन होता है तब तो स्टिमुलेट कर पाएगा, यहां है ही नहीं, स्टिमुलेट किसके अगेंस्ट करेगा, एंटीजन, एंटी मींस अगेंस्ट, जन मींस जेनेसिस, किसी को अपने अगेंस्ट जेनरेट करे तब तो लिम्फोसाइट एक्शन लेगी जब जनरेट कर पाएगा, यहां कुछ है ही नहीं, नो एंटीजन, ना तो ए बी एंटीजन है ना आर एच एंटीजन है। जब कुछ भी नहीं है तो ये किसके अगेंस्ट स्टिमुलेट करेगा, नहीं करेगा। तो ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर, समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए एक केस और प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रेगनेंसीज, किसमें करता है, प्रेगनेंसीज की सिचुएशन में। देखिए अभी आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कंफर्म होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तो उसका ब्लड आरएच नेगेटिव में नहीं जा सकता। चलिए एक सिचुएशन होती है, देखिए ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, क्लियर। सपोज हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव, वाइफ का भी ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव, हम जेनेटिक कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जेनेटिक कॉन्सेप्ट जब लेंगे तो जीन्स के प्रेजेंस के से कॉन्सेप्ट और डीप हो जाएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मल लेवल पे यहाँ लेके चल रहे हैं, आप टेंथ में हैं तो समझ जाएंगे और इलेवेंथ में तो समझ जाएंगे, इलेवेंथ में एडवांस लेवल की चीजें हम अगले वीडियो में डाल देंगे। देखिए ये आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, इनके बच्चे कैसे होंगे, आर एच पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आर एच पॉजिटिव अगर दोनों लोग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आर एच निगेटिव अगर दोनों लोग हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे आर एच निगेटिव हो जाएंगे, क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम ये लेते हैं कि अगर आर एच निगेटिव है हस्बैंड और आर एच पॉजिटिव है वाइफ, क्लियर है, और ऑफस्प्रिंग भी आर एच पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम। क्यों, इसलिए नहीं होगी प्रॉब्लम कि सपोज ये फीमेल का फीटस, फीमेल का यूट्रस है, और इस यूट्रस में फीमेल का यूट्रस और इस यूट्रस के अंदर एक बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आर एच पॉजिटिव है, फीटस भी आर एच पॉजिटिव है, मदर भी कैसी है, आर एच पॉजिटिव, तो दोनों तो सिमिलर है, क्या दिक्कत हो रही है, उनको होनी नहीं कोई प्रॉब्लम,
तीसरा लास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब ना तो इसमें प्रॉब्लम ना तो इसमें प्रॉब्लम ना इसमें प्रॉब्लम, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है अगर हस्बैंड आरएच पॉजिटिव है और वाइफ आरएच निगेटिव है तो इसमें क्या होगा, हस्बैंड आरएच पॉजिटिव वाइफ आरएच निगेटिव, अब इनका ऑफस्प्रिंग वो जेनेटिकली कॉन्सेप्ट आएगा, इनका ऑफस्प्रिंग पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हो, हम डिस्कस करेंगे जो कंडीशन क्रिटिकल होती है उसके बारे में, और तो हम बस डिस्कस कर ही चुके हैं, अगर निगेटिव होता, सपोज आरएच निगेटिव होता तो ये भी निगेटिव, ऑफस्प्रिंग भी निगेटिव, मदर भी निगेटिव, क्या प्रॉब्लम है, दोनों निगेटिव, बट यहां पर क्या होगा, आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव, मतलब अगर ऑफस्प्रिंग आरएच पॉजिटिव है तो किसमें डेवलप करेगा, आरएच निगेटिव मदर के अंदर, इस सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम कॉज होती है, और जो प्रॉब्लम इस सिचुएशन में कॉज होती है इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं, इसको हम बोलते हैं ये सिचुएशन कॉज करती है एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटेलिस, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फीटेलिस, देखिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहली चीज सपोज ये फीमेल यूट्रस है, इस फीमेल यूट्रस के अंदर फीमेल कैसी है, मदर कैसी है, आरएच निगेटिव, और इस मदर के अंदर एक आरएच पॉजिटिव बेबी डेवलप हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट और अपना कंफर्म कर लीजिए कि इस फीटस का और मदर का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है, अगर ब्लड मिक्स होता तो जो मदर का ब्लड होता वही फीटस का होता, वही डेवलपिंग बेबी का होता, समझ लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या आता है, मिक्स नहीं होता है यानी कि प्लेसेंटा में बैरियर होता है और डिफ्यूजन के थ्रू चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, अगर पहली प्रेगनेंसी ऐसी है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, जिस टाइम पर बेबी की बर्थ होती है, बर्थ के टाइम पर, बेबी की बर्थ के बाद जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड को, प्लेसेंटा तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं कहीं ना कहीं, और जो बेबी की बर्थ बाद आपने जो नाभि से जो नाल जुड़ी हुई देखी होगी दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, जब इसको कट किया जाता है तो कुछ ना कुछ ब्लड मदर से फीटस में जाता है, कुछ ब्लड फीटस से मदर में जाता है, ये जो ब्लड का थोड़ा बहुत इधर उधर जाना होता है इसी में कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, मतलब जो पहली प्रेगनेंसी तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ज्यादा, बेबी की बर्थ के टाइम पर जब प्लेसेंटा कट किया जाएगा तो क्या होगा, जो आरएच एंटीजन है, कुछ आरएच एंटीजन कहां चली गई, मदर, कुछ चली गई, ज्यादा नहीं गई, और कुछ उसी जस्ट उसी ड्यूरेशन पे कुछ एंटीबॉडीज बन जाती है और वो चली जाती है फीटस में, वो फीटस को नॉर्मल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हल्की सी एनीमिया कर सकती है, वो क्योर हो जाता है, एवरेज नॉर्मल बहुत शॉर्ट थोड़ी सी एंटीबॉडीज होती है तो कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम की टेंडेंसी होती है, जो अब हम आपको बता चुके हैं कि ब्लड में आरएच पॉजिटिव पहुंचा, ब्लड में जब आरएच एंटीजन पहुंच जाएगी, आरबीसी गई ना, उन्हीं में एंटीजन है, जब एंटीजन पहुंच जाएगी तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगी, वो एंटीजन सीधा का सीधा क्या करेंगी, उनके अगेंस्ट लिम्फोसाइट एक्शन लेंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी, पहली प्रेगनेंसी तो हो गई नॉर्मल, लेकिन लिम्फोसाइट की टेंडेंसी है मेमोरी सेल्स बना लेती है, मेमोरी सेल्स में वो इंफॉर्मेशन फीड है, वो इंफॉर्मेशन फीड है मेमोरी सेल्स, जब वो इंफॉर्मेशन मेमोरी सेल्स में फीड है तो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जब फीड है वो मेमोरी सेल्स के अंदर तो क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, समझ रहे हो, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उस सिचुएशन में क्या होगा कि कुछ एंटीबॉडीज होती है, मदर में एंटीबॉडीज बन चुकी है, अगली प्रेगनेंसी में क्या होगा कि ये क्रॉस कर जाती है, ठीक है, ये यहां से ये कैसा, ये आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच निगेटिव है, तभी ऐसा होगा, एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करके अंदर जाती है, अंदर जाके धीमे धीमे डिस्ट्रॉय करती रहती है फीटस को और प्री मैच्योर डेथ हो जाती है कभी कभी फीटस की इस केस में, या कभी कभी बर्थ के तुरंत बाद डेथ हो जाती है,
लास्ट में जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है तो बहुत सारी एंटीबॉडीज अंदर चली जाती है एक लार्ज नंबर में। मेमोरी सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस था? मेमोरी सेल्स का ये था कि जो पहली बार एक इंसिडेंट हो जाता है वो उसको मेमोराइज कर लिया, अब हम ज्यादा बेटर फॉर्म में तैयार है अगली बार इंसिडेंट होने के लिए। सेम इंसिडेंट अगली बार हुआ तो वो जो यहाँ एंटीबॉडीज काउंटेबल नंबर में पहुंची थी वो बहुत लार्ज नंबर में जाएंगे और फीटस को डिस्ट्रॉय करेंगे, या तो इस फीटस की डेथ बर्थ से कुछ पहले हो जाती है या फिर बर्थ के कुछ टाइम के अंदर हो जाती है, विद इन सम टाइम। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटेरिस बोलते हैं। चलिए एक चीज हम बताते हैं कि हम यही प्रयास करेंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा पाए, आपको एक्चुअल चीज समझ में आए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करें तो हमें लगेगा कि आप लोगों को थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब हमें लगेगा, और अगर हमें वीडियो तो हम और मेहनत करेंगे। एक चीज़ और है, अगर आपको कोई सजेशन लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कुछ वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं सर ये कुछ चेंजेस करिए, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को बदल लीजिए, तो हम ऐसा कर लेंगे। तो अगर लगता है कि हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में रिव्यू भी दे दें।